नॉर्मल डिलीवरी कैसे करी जाती है चलिए जानते हैं। लेबर में पहली स्टेज 15 से 20 घंटे की होती है, जिसमें शिशु माँ के शरीर के पेल्विक रीजन में आ जाता है। इसमें बर्थ कैनाल की ओपनिंग पतली सी होकर खुलने लग जाती है, साथ ही इस दौरान माँ के पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है। इसी के साथ बर्थ कैनाल की ओपनिंग पर मौजूद म्यूकस लेयर निकल जाती है और शिशु के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यदि उन्हें तेज दर्द महसूस होता है या यूनि से पानी निकलता है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डिलीवरी के सेकंड स्टेज में बर्थ कैनाल की ओपनिंग 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है और बच्चे का सिर आगे यूनि की तरफ आ जाता है। इस समय दर्द होने पर डॉक्टर माँ को नीचे की ओर जोर लगाने के लिए बोलते हैं। ये स्टेज 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक चल सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे का चेहरा माँ की पेट की ओर मुड़ जाता है। अब यूटेरस का ऊपरी हिस्सा शिशु को बाहर की ओर धकेलता है और निचला हिस्सा उसे बाहर लाने के लिए धीरे धीरे ज्यादा खुलने लगता है। जब वेजेनल ओपनिंग से बच्चे का सिर दिखने लग जाता है तब डॉक्टर वहाँ एक चीरा लगाते हैं और माँ को फिर से नीचे की ओर जोर लगाने के लिए कहते हैं। जब बच्चे का सिर बाहर आ रहा होता है तब बच्चे के सिर का आकार लंबा हो जाता है और जन्म के कुछ दिनों के बाद शिशु के सिर की हड्डियों में बदलाव आ जाता है, जिससे उसके सिर का आकार भी नॉर्मल हो जाता है। जब बच्चे का सिर पूरी तरह से बाहर आ जाता है तब उसके कंधे और सर को घुमाया जाता है, जिससे कंधों को यूनि से बिना किसी परेशानी के निकाला जा सके। दोनों कंधे बाहर आ जाने के बाद पूरा शरीर भी आसानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर द्वारा माँ से जोड़ने वाले गर्भनाल को भी काट दिया जाता है। डिलीवरी के थर्ड स्टेज में यूटेरस में मौजूद प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्शन होने से बाहर आ जाता है। इस स्टेज में माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है, जिससे माँ और शिशु के बीच का लगाव बढ़ता है। ये स्टेज 30 मिनट तक चल सकती है। नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखने वाली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास रेगुलर जाते रहना चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताए सभी टेस्ट एवं अल्ट्रासाउंड नियम के अनुसार करवाने चाहिए, जिससे आगे माँ और शिशु स्वस्थ रहें। ऐसा मिथ है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को 2 लोगों के हिसाब से भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु ये गलत है। माँ को एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि माँ का वजन उतना ही बढ़ना चाहिए जितना हेल्थ के लिए लाभदायक हो। अगर वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में परेशानी होती है। जब तक डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह ना दे या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तब तक माँ को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान 4 एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहली है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम। प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और बच्चे तक भी ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। दूसरी एक्सरसाइज होती है स्क्वैटिंग, इसको आप पोछा लगाना भी कह सकते हैं। अगर आप जमीन पर बैठ के पोछा लगाते हो तो माँ की लोअर बॉडी की मसल मजबूत हो जाती है, जिससे डिलीवरी के दौरान बच्चे को धक्का देने में सहायता मिलती है। तीसरी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज, इसे दिन में 4 से 5 बार करने से पेट के निचले हिस्से की मसल स्ट्रॉन्ग होने लगती है और आगे नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिलती है। चौथी एक्सरसाइज है योगा का बटरफ्लाई आसन, जिसे किसी भी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए। डिलीवरी के समय जब दर्द होना शुरू हो जाए तो माँ को घबराना नहीं चाहिए, माँ को नॉर्मली चलते हुए अस्पताल तक जाना चाहिए। इससे बच्चे का सिर धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।